अब डिस्कस करते हैं फेजेस ऑफ ए कंपाइलर, ठीक है ना। तो आपका कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में, या फिर आप उसको बोल सकते हैं टारगेट मशीन कोड में, ठीक है ना। तो आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम था वो कन्वर्ट हो जाएगा टारगेट मशीन कोड में। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं जो कंपाइलर के अंदर होंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एनालाइजर, सेकेंड फेज है सिंटेक्स एनालाइजर, थर्ड फेज है आपका सिमेंटिक एनालाइजर, नेक्स्ट फेज है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, नेक्स्ट फेज है कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड नेक्स्ट फेज है टारगेट कोड जनरेशन। इसके अलावा यहाँ पर आप दो चीजें और देख रहे हैं, सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलर। सिंबल टेबल हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए। जैसे कि ये फेजेज हैं, आपका हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर एज इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको ये टारगेट मशीन कोड प्रोड्यूस करेगा। तो इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में अगर किसी भी फेज में इसको अगर कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है या किसी भी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है तो उसके ये सिंबल टेबल का यूज करेगा। मान लीजिए कि सिंटेक्स एनालाइजर फेज में मान लीजिए इसको कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो ये सिंबल टेबल में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, और अगर रिट्रीव करना है तो उस इंफॉर्मेशन को यहां से रिट्रीव भी कर सकता है। तो इनमें से किसी भी फेज में अगर इसको इंफॉर्मेशन स्टोर करना है या रिट्रीव करना है तो उसके लिए सिंबल टेबल का यूज करेगा। इसके साथ साथ ये जो एरर हैंडलर पार्ट है ये बताएगा एरर्स को, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी भी फेज में कोई एरर आती है तो उस एरर को ये एरर हैंडलर आपका हैंडल करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए लेक्सिकल एनालाइजर वाले फेज में अगर आपका कोई एरर आती है तो वो आपका एरर हैंडलर उसको हैंडल करेगा, ठीक है ना। तो किसी भी फेज में अगर कोई एरर आएगी तो उसको ये एरर हैंडलर आपका हैंडल करेगा। अब देखिए आपका हाई लेवल प्रोग्राम क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्राम आपका एक करेक्टर स्ट्रिंग होती है, ठीक है ना। तो एक करेक्टर स्ट्रिंग हम लेंगे या हम एक हाई लेवल प्रोग्राम लेंगे, एक करेक्टर स्ट्रिंग लेंगे और उस करेक्टर स्ट्रिंग को लेक्सिकल एनालाइजर टोकन स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां पर इस फेज के बाद आपको टोकन्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इन टोकन्स को ये सिंटेक्स एनालाइजर एज ए इनपुट लेगा और फिर ये उन टोकन्स के बेसिस पर आपका एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट करेगा। यहां पर एक बात नोट कीजिए कि ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है इसको हम स्किनर भी बोलते हैं, तो लेक्सिकल एनालाइजर भी बोल सकते हैं या फिर स्किनर भी बोल सकते हैं, जो कि आपका जो प्रोग्राम है उस या फिर आपका जो करेक्टर स्ट्रीम है उसको स्कैन करेगा। तो स्कैन करके उसको ये टोकन जनरेट करेगा और सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा कि उस टोकन को लेकर के आपका एक सिंटेक्स ट्री जनरेट करेगा और सिमेंटिक एनालाइजर उसको सिमेंटिकली वेरीफाई करेगा, ठीक। सिमेंटिक एनालाइजर उसको मीनिंगफुल के लिए चेक करेगा। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंगफुल, ठीक है ना। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग से, ठीक है ना। सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग से, तो सिमेंटिक एनालाइजर उसको मीनिंगफुल के लिए चेक करेगा, ठीक है। ये आपके प्रोग्राम को सिमेंटिक कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेगा, यहां पर ये जो है आपके प्रोग्राम को सिमेंटिक कंसिस्टेंसी के लिए चेक करेगा। और लेक्स का मतलब क्या होता है, लेक्स का मतलब होता है लैंग्वेज, तो लेक्स का मतलब है लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज की एनालिसिस करेगा, ठीक है ना। और यहां पर ये आपका मीनिंग चेक करेगा इसका, ठीक है ना। तो आपका अगर ये सिमेंटिकली करेक्ट है तब तो ये इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देगा, और अगर ये सिमेंटिकली करेक्ट नहीं है तो फिर आपका वहां पर एरर जनरेट हो जाएगी, तो उस एरर को ये एरर हैंडलर आपका हैंडल करेगा। तो सिमेंटिक कंसिस्टेंसी के लिए हम यहां पर चेक करेंगे, फिर उस सिमेंटिकली वेरीफाइड सिंटेक्स ट्री को ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपका एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जनरेट करेगा। यहां पर जो हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे वो आपका थ्री एड्रेस कोड भी हो सकता है। इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो हम यहां पर जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं वो थ्री एड्रेस कोड को ले रहे हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये थ्री एड्रेस कोड को जनरेट करेगा। अब उस थ्री एड्रेस कोड को अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं तो आप इस मॉड्यूल को ले सकते हैं, और अगर मान लीजिए आप उसको अपने कोड को ऑप्टिमाइज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मॉड्यूल को हटा भी सकते हैं। तो ये जो कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला जो है ये आपका ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आपको ऑप्टिमाइज करना है तो आप इसको रखिए, अगर ऑप्टिमाइज नहीं करना है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, तो ये ऑप्शनल फेज हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि उस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन या उस जैसे कि अगर हम यहां पर इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में को मैं थ्री एड्रेस ले रहे हैं तो ये थ्री एड्रेस कोड को आपका ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज करने के बाद ये टारगेट कोड जनरेशन जो है उसको एज ए इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको मशीन कोड जनरेट कर देगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं कंपाइलर के, ठीक है ना। तो ये कंपाइलर जो है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। अब जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमने इन सभी फेजेस को एक मॉड्यूल में ग्रुप कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इन सभी फेजेस को ग्रुप कर देते हैं एक मॉड्यूल में तो उसको बोला जाता है सिंगल पास कंपाइलर। तो ये जो कंपाइलर जो आप देख रहे हैं ये एक सिंगल पास कंपाइलर है। तो सिंगल पास कंपाइलर में क्या होगा, सिंगल पास कंपाइलर को आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो कंपाइलर है सिंगल पास कंपाइलर है ये आउटपुट में लेगा हाई लेवल लैंग्वेज और
ये एक सिंगल पास कंपाइलर है और ये इनपुट में लेगा हाई लेवल लैंग्वेज और आउटपुट में आपको देगा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो सिंगल पास कंपाइलर है और इनपुट में ले रहा है हाई लेवल लैंग्वेज, आउटपुट में आपको प्रोड्यूस कर रहा है असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है ना। तो सिंगल पास कंपाइलर में आपकी ये सारी फेजेस को आप ग्रुप कर देंगे एक सिंगल मॉड्यूल में। तो एक मल्टीपास कंपाइलर भी होता है। मल्टीपास कंपाइलर में क्या होता है कि अगर आप लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटेक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इन सभी को ग्रुप कर दें एक मॉड्यूल में, इन सभी फेजेस को ग्रुप कर दें एक मॉड्यूल में और कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेशन को आप ग्रुप कर दें एक मॉड्यूल में, तो इसको हम बोलेंगे मल्टीपास कंपाइलर, ठीक है ना। सिंगल पास में क्या था, सिंगल पास कंपाइलर में हमने इन सारी फेजेस को ग्रुप कर दिया था एक सिंगल मॉड्यूल में, जबकि मल्टीपास कंपाइलर में हमने क्या किया है, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इनको ग्रुप किया है एक सिंगल मॉड्यूल में और कोड ऑप्टिमाइजेशन और टारगेट कोड जनरेशन को हमने ग्रुप किया है एक सिंगल मॉड्यूल में। तो यहां पर आप दो मॉड्यूल देख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, देन फर्स्ट एंड, देन बैक एंड, देन टारगेट कोड जनरेशन। तो ये आपका टू पास कंपाइलर है, ये आपका टू पास कंपाइलर है, ये आपका फर्स्ट पास हो जाएगा और ये आपका सेकेंड पास है। तो ये आपका मल्टीपास कंपाइलर है, ये आपका फर्स्ट पास हो जाएगा और ये आपका सेकंड पास हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान दीजिए कि ये आपका जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है ये ऑप्शनल है, आप इसको ले भी सकते हैं और इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका सेकंड पास है इसमें आप ये कोड ऑप्टिमाइजेशन को कोड ऑप्टिमाइजेशन आपका यहां पर ऑप्शनल होगा, इसको हम फ्रंट एंड भी बोलते हैं। तो ये आपका फ्रंट एंड हो जाएगा और ये आपका बैक एंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका फ्रंट एंड हो जाएगा और ये आपका बैक एंड हो जाएगा। फ्रंट एंड को हम एनालिसिस पार्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रंट एंड को हम एनालिसिस पार्ट भी बोलते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका एनालिसिस पार्ट हो जाएगा और ये आपका सिंथेसिस पार्ट हो जाएगा। आपका फ्रंट एंड हो जाएगा, ये आपका फ्रंट एंड हो जाएगा, या आप एनालिसिस पार्ट भी इसको बोल सकते हैं, ये आपका एनालिसिस पार्ट हो जाएगा और ये आपका बैक एंड हो जाएगा, ये आपका सिंथेसिस पार्ट भी हो जाएगा, ठीक। अब इसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं लेक्सिकल एनालाइजर।